दोस्तों जो है झारखंड के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम झारखंड के करंट अफेयर सीरीज की पहली सीरीज में हम देखेंगे झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। आपको पता है कि झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हाल में हुई है और उनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। पहले देख लेते हैं कि झारखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप देखें झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एमएस रामचंद्र राव है। ये 16वें मुख्य न्यायाधीश है, आप इसे याद रखेंगे। और इनकी नियुक्ति या शपथ कर ले 25 सितंबर 2024 को हुई है, मतलब इस दिन से ये झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कैसे होता है उनका, तमाम ये चीजें, साथ में हाई कोर्ट जो झारखंड का हाई कोर्ट है ये इसकी स्थापना कब हुई, ये तमाम सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं उन सभी सवालों का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रथम न्यायाधीश की बात करें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जी थे। और अगर झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना की मैं बात करूं, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, जिससे साल झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ऐसे हाई कोर्ट कहाँ है, तो रांची में है और ये 21वां हाई कोर्ट है। आपको मैं बता दूं कि भारत में 25 हाई कोर्ट अभी है, उसमें 21वां हाई कोर्ट रांची में झारखंड हाई कोर्ट था। अब यहाँ से तमाम सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं मैं उनका हल कर दूं। पहले ये बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश का शपथ की बात की जाए तो कौन दिलाते हैं भाई, ये राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल ये शपथ दिलवाते हैं और राज्यपाल आपको पता है कि झारखंड के संतोष कुमार गंगवार साहब हैं। संतोष कुमार गंगवार, तो इन्होंने शपथ दिलाया एमएस रामचंद्र राव को। अब बात कर ली जाए कि इनकी नियुक्ति किसने करा, तो इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि झारखंड के हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति कौन है भाई, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि ये कौन से आर्टिकल में है, तो नियुक्ति का जो आर्टिकल है ना वो 217 है और शपथ का जो आर्टिकल है वो 219 है। याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 217 के अंतर्गत होती है और जो इनका शपथ होता है वो 219 आर्टिकल 219 अनुच्छेद के तहत होता है। अब मैं ये बात कर लूं कि जो हाईकोर्ट्स हैं, ये हाईकोर्ट्स आपके संविधान में कहां पर है, तो ये भी आप जान लें, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी एग्जाम में चाहे वो झारखंड लेवल का हो या भारत लेवल का हो आ सकता है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट्स की हम बात कर लें, तो हाई कोर्ट्स जो आपके हैं वो संविधान के 6वें भाग में है। देखेंगे भाग 6, 6वें भाग में हाई कोर्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है। अगर अध्याय की बात की सर, तो अध्याय 5वां है, अध्याय 5वां। और अनुच्छेद की बात की सर, तो अनुच्छेद 217 से लेकर 232 तक, 14 से लेकर, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक हाईकोर्ट का जिक्र है। इसमें जो अनुच्छेद 217 है ना, उसमें जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में इसमें लिखा गया है। अब मैं बात करूं थोड़ा कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो ये भी आप देखिए, किसी भी हाईकोर्ट के जो जज होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति मैंने भी बताया अनुच्छेद 217 के तहत होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी मैं बता दूं, याद रखिएगा, हाई कोर्ट कंफ्यूजन होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हाई कोर्ट्स की बात है तो राज्यपाल करेंगे, तो नहीं, नियुक्ति की बात किसे, तो राष्ट्रपति ही करेंगे हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति करेंगे, साथ में ये परामर्श लेंगे, किससे परामर्श लेंगे भाई, तो सीजेआई से लेंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेंगे। साथ में और किससे सलाह लेंगे भाई, तो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे, जिस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। किसके लिए भाई लेंगे, तो किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। अब मान लीजिए मामला है कि उस हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, तो क्या होगा, तो अब इसमें शामिल हो जाएंगे आपके उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी भी शामिल हो जाएंगे, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। लेकिन अब क्या होता है, जो प्रैक्टिकल क्या होता है मैं वो बता दूंगा आपको। व्यवहारिक तौर पर यह होता है कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 1998 याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया, या आप कह लें उसे कि एक
सिद्धांत उसने दिया कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी ना वो कॉलेजियम के थ्रू होगी, कॉलेजियम के थ्रू होगी। अब ये कॉलेजियम क्या है? तो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग है और हाई कोर्ट के लिए अलग है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो इसमें शामिल होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस में चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश चार हैं वो इसमें शामिल होंगे, और एक सीजीआई यानी ये पांच का टोटल होगा, ठीक ना। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है, उसमें ये शामिल होंगे सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और यहां पर दो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे। ये अंतर है, आप एक बार फिर देख लेंगे ध्यान से कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात हो रही तो एक कॉलेजियम परामर्श देगा, वो कॉलेजियम में कौन होंगे भाई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, साथ में चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, टोटल संख्या उनकी पांच होगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और दो ही वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। तो चूंकि मैं आपको यहाँ बता रहा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, तो आप इसको याद रखेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, इन्होंने परामर्श दिया और तब इनकी नियुक्ति की गई। और ये आर्टिकल 217 के तहत मैंने बता ही दिया था आपको, शपथ 219 के तहत है।